हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल माय लाइफ सेट। तो आज हम पहनेंगे जीन्स विद साड़ी। तो मैंने ब्लैक जीन्स और ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक हील्स पहनी है। ब्लाउज़ मैंने जो साड़ी के साथ का है वही पहना है। तो चलिए, मैंने सिंपल साड़ी ली है, ये साड़ी के साथ के ब्लाउज और सिंपल ही साड़ी ली है मैंने। सिर्फ इस पर बॉर्डर है, वैसे बॉर्डर इसका काफ़ी हैवी है, स्टोन वाला है, तो बॉर्डर काफ़ी हैवी है, जिससे कि साड़ी का लुक एकदम से अच्छा आने वाला है। तो ये जहाँ जो हमारा साड़ी का पल्ला होता है, मैंने उसको लेके हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे, और इसको जैसे हम साड़ी पहनते हैं उस तरह से लेफ्ट शोल्डर पे इसको डाल देंगे। बहुत यूनिक स्टाइल है, बहुत अच्छा लगता है। आपके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है या किसी भी पार्टी में आप इसको पहनना चाहते हैं, तो इसका लुक बहुत अच्छा और यूनिक आता है। तो सॉरी, मैंने बेल्ट नहीं पहना है, क्योंकि जस्ट मैं आपको वीडियो के लिए ही मैं बनाई, तो मैंने बेल्ट नहीं पहना है। तो इस तरह से आप लेफ्ट में पल्ले को बना के डाल दें, और जो लास्ट छोर होता है जहाँ से हम साड़ी पहनना शुरू करते हैं, वहाँ से हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है, ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं बनानी है। ज़्यादा बड़ी प्लेट्स जो होंगी वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बहुत सारी बनने वाली हैं, क्योंकि पूरी साड़ी का प्लेट्स ही बनाना है, तो बहुत सारी प्लेट्स और बहुत सारा फ्लोर आने वाला है। फलपी फलपी साड़ी लगेगी जब पूरी साड़ी का क्या कहते हैं प्लेट्स बन जाएंगी। आप देखेंगे मैं ज़्यादा कोई टक नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही इजी है ये साड़ी पहनना। आप देखेंगे मैं सिर्फ प्लेट्स जहाँ से बना रही हूँ वहीं से मैं इसको साड़ी को ड्रिप करूँगी, बाकी कहीं से भी इसको ड्रिप नहीं करना है। मतलब जैसे अंदर फोल्ड करते हैं साड़ी को, साड़ी चारों तरफ से वैसे बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं। एक आप देखिए कितने सारे प्लेट्स बन गई हैं, तो इस तरह से सारी प्लेट्स बन गई। इधर देखिए कितना अच्छा एक जो धोती स्टाइल होता है ना प्लेट्स वाला, वो वाला धोती स्टाइल आएगा आपके राइट हैंड की साइड से। तो आपको करना क्या है, आपके सारी प्लेट्स सेम सेम कर लीजिए, मतलब पकड़ के उनको इक्वल करना है। इस तरह से सारी प्लेट्स उठा लीजिए, जहाँ से आपको अंदर फोल्ड करना है वहाँ से मैंने पकड़ के इसको बराबर कर लिया है, सेम सेम प्लेट्स जो कि ऊपर नीचे ना रहे। तो यहाँ से देखिए आपने इस तरह से पकड़ा, और इसको मैं अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। और जो हमारा ऊपर का जो फ्रंट है उसको हम सेंटर में लाके इस तरह से आप देख सकते हैं सेंटर में इसको खोल देंगे, जिससे कि वो आउट ना लगे। इस तरह से वो उससे सारी प्लेट्स कवर हो जाएंगी साइड से। तो आप देखिए इसको हमें थोड़ा साइड से ही रखना है, जो प्लेट्स हैं वो थोड़ी साइड में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पिन से इनको सिक्योर कर दूँगी, जितने भी प्लेट्स हैं। ज़्यादा नीचे पे नहीं पिन लगाना है आपको, थोड़े ऊपर ही लगाएं, नीचे लाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से पिन छोटी ही लगानी है, बिल्कुल छोटी सी पिन लगाएं जिसमें कि प्लेट्स ही आए, बस इतना ही हमें पिन लेना है। छोटा जो छोटा वाला पिन आता है वही पिन लेना है। सॉरी, बैकग्राउंड से बहुत सारा शोर आ रहा है, तो उसको आप अवॉइड करें। तो आप देखिए मैंने सिर्फ यहीं पे फोल्ड किया है साड़ी को, साइडों से मैंने अंदर ड्रॉप नहीं किया है साड़ी को। अब जो हमारा ये मैंने पल्ला लिया था उसको हम प्लेट्स बना लेंगे, जैसे हम साड़ी के प्लेट्स बनाते हैं, पल्ले साड़ी पहनते हैं तो पल्ला बनाते हैं, सेम उसी तरह से हम साड़ी के प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए ये भी मैंने पतली पतली प्लेट्स लिए हैं साड़ी की, जितने पल्ला हो या जैसे हम साड़ी के वैसे दूसरे फ्रंट वाले प्लेट्स बनाते हैं, जितनी छोटी होंगी उतनी ज़्यादा बनते हैं और लगते भी अच्छे हैं। तो आप देखें यहाँ से मैंने इसको एक पिन से सिक्योर कर दूँगी, जिससे कि ये फैले ना और पल्ला बनाने में भी आसानी रहे। तो कुछ इस तरह से हम
सारी छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे। ये देखिए कहीं से भी साड़ी को फोल्ड नहीं करना है। और अगर आप और भी अच्छे अच्छे स्टाइल साड़ी के देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे यूनिक स्टाइल में लेके आऊँगी आपके लिए साड़ी के, और बहुत ही इजी तरीके। ये देखिए इस तरह से आप साड़ी के प्लेट्स अच्छे से बना लीजिए। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो ये देखिए मैं साड़ी के जो दोनों बॉर्डर है ना, दोनों बॉर्डर को इस तरह से बनाऊंगी। कुछ इस तरह से बॉर्डर को लेना है, उसको अंदर को फोल्ड नहीं करना है, उसको थोड़ा सा ऊपर को, जैसे एक साड़ी आती है पल्ला बना बनाया है, कुछ इस तरह से होता है। और आप चाहे इस तरह से पिन ड्रॉप करके बीच में यहाँ पे, अगर आपके पास में कोई अच्छा सा जिसे वॉच बोलते हैं हम, यहाँ पे लगा उसको सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ का स्टाइल बहुत ही अच्छा आप लेके आ सकते हैं। कुछ भी पड़ा है आपके पास में तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे हम साड़ी के पिन लगा रही हूँ फ्रंट पे आप लगा सकते हैं, जिससे कि साड़ी का स्टाइल और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप पिन लगा लीजिए, एक ही पिन लगाना है यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये बीच में साड़ी का कलर भी दिखना चाहिए और थोड़ा इस तरह से बॉर्डर, तो एक यूनिक स्टाइल आएगा। आप देखिए मैं साड़ी को पीछे से ड्रॉप नहीं कर, अंदर को फोल्ड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही आया है वो। ये देखिए कुछ इस तरह से आना चाहिए, तो ये कुछ अलग स्टाइल हो जाता है। थोड़ा लूज़ रहना चाहिए, जैसे ये लूज़ है प्लेट्स बन रही हैं, तो ये लूज़ स्टाइल बहुत ही प्यारा आता है, क्योंकि एकदम फिट है वो। ये देखिए इस तरह से प्लेट्स आनी चाहिए, कितनी प्यारी प्लेट्स आई हैं। कुछ इस तरह से यहाँ से लूज छोड़ना है साइड से, राइट हैंड की साइड से थोड़ा लूज छोड़ेंगे तो बहुत ही प्यारा स्टाइल आएगा। ये देखिए कोई भी मेहनत नहीं है, सिर्फ प्लेट्स बना के, आगे वाली प्लेट्स बना के फोल्ड करनी है और पल्ला बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए फिटिंग कितनी प्यारी आई है, आप देख सकते हैं। अभी नीचे मैंने जो पल्ले पे पिन लगाई थी हम उसको निकाल देंगे, क्योंकि पल्ला हमारा सेट हो चुका है। तो आप देखिए कितनी प्यारी साड़ी लुक आया है। तो चैनल को जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये देखिए कितना प्यारा लुक है, मैं और भी प्यारे प्यारे लुक आपको लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।